दरवाजा खोल दो। अरे जाओ ना, दरवाजा खोल दो ना। अरे संडे तो क्या दरवाजा भी नहीं खोलोगे क्या? अरे आ रही हूं ना, तोड़ दोगे क्या दरवाजा? इंसान रहते हैं, पंछी थोड़ी रहते हैं इस घर में। अनपढ़ हो क्या? घंटी देखी नहीं बजाए जा रहे हो। ये मोहित मिश्रा का घर है। अरे काहे का मोहित मिश्रा का घर है? किराए का घर है। हमारा मतलब है मोहित मिश्रा यहाँ रहते हैं। रहते नहीं है, सोए रहते हैं। और तू कौन है भैया? हम हैं मोहित मिश्रा के बड़े भैया। रजनी भैया। अरे बहू, तुम तो हमको जानती हो। बहू भैया। बस बस, अब इसकी जरूरत नहीं है। अंदर आइए आप, आइए। सुनिए जी, आप जल्दी जाओ दरवाजे पर। क्यों सुबह सुबह हल्ला मचा रखा है? माने नहीं ना तुम, दे दिया ना एड्रेस तुमने। अरे मैंने कोई एड्रेस नहीं दिया यार। रजनी भैया आए हैं, गेट पर खड़े हैं, जाओ। रजनी भैया आए? हाँ। अरे तो गेट पे क्यों खड़े? अंदर क्यों नहीं बुलाया उनको? बोला था मैंने। रजनीश भैया, अरे आप खुश रहो, खुश रहो। ये पकड़ो बैग। हाँ, आप बाहर क्यों खड़े? अंदर आइए ना। ये लीजिए भैया, ग्रीन टी। वो हमारे यहाँ ना ग्रीन टी पीते हैं भैया, सेहत के लिए अच्छी होती है ना। वाह रे इंसान, हरे हरे जंगल काट के पहले सीमेंट की बिल्डिंग बना दी और अब सीमेंट के घर में बैठ के ये हरी चाय पी रहा। भैया हमने थोड़ी जंगल काटे हैं, और हम तो यहाँ ग्रीन टी पीते हैं, सेहत के लिए अच्छी होती है ना। मानते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि यहाँ आके बिल्कुल यहीं की तरह हो जाओ। अब तुम्हारे जैसे लोग गांव होते तो यहाँ ये सीमेंट की बिल्डिंगें तो ना बनी होती। भैया आधुनिक समाज के साथ साथ हमें भी तो आधुनिक होना पड़ेगा ना। इतना भी आधुनिक नहीं होना चाहिए बहू कि सुबह सुबह घर आए मेहमान को लताड़ दो। आपको पता है हमारे यहाँ आज भी मेहमान देव तुल्य होता है। सुना तो होगा ना, अतिथि देवो भवा। जी भैया। क्या जी? अब नहाने के लिए खुद पानी गर्म करना पड़ेगा क्या? गीजर लगा हुआ है भैया। पर बहू बटन तो वहां जाके ऑन करना होगा ना, कि यहाँ बैठे बैठे बोलने से हो जाएगा। मैं ऑन कर देती हूँ। गई। एड्रेस के लिए भी यही मना की होगी ना, लेकिन वो तो हमें श्रीवास्तव मिल गया और उसने बता दिया तुम्हारे घर का एड्रेस, नहीं तो हम तो घूमते रह जाते। श्रीवास्तव साले, तू तो गया। कुछ कहा तुमने? नहीं कुछ नहीं। जिसने भी दिया हो, पर अब तो ये यहाँ आ गए है ना। मैंने भी पता नहीं क्या कुछ नहीं कह दिया सुबह सुबह इनको। नाश्ते का क्या करना है? बनाना पड़ेगा और क्या, बाहर का नहीं खाते वो। और अगर खिला दिया ना तो गांव में जाके गाना गा देंगे कि इनकी बहू को तो कुछ आता ही नहीं है। सारी बदनामी मेरी। मैं जा रही हूँ। कहाँ? सब्जी लेने? तो ऐसा करना, हरी सब्जी ले आना, क्योंकि हरी चाय से ज्यादा सेहतमंद होती है हरी सब्जी। जी भैया। सुनिए, कुछ पैसे दे दीजिए, सब्जी ले आती हूँ। हाँ हो, मेरी पैंट की जेब में है, जाओ ले लो। ये क्या बकवास? पत्नी को पति की जेब नहीं देखनी चाहिए। पति जो खुशी से दे दे वही पैसे लेके अपना घर चलाना चाहिए। सुना आपने? जाइए पैसे लेके आइए। मर्यादा बहू, मर्यादा। वो जाएगा पैसे लेने, तुम जाओ पैंट लाकर यहाँ दो। वो जो पैसे तुम्हें देगा वो लेके बाजार चली जाना। जी भैया। पराठे बथुए के खाएंगे या मेथी के भैया? जो तुमसे बन जाएंगे वो मैं खा लूंगा, क्योंकि ज्यादा उम्मीद है नहीं मुझे। अच्छा एक बात बताओ, ये गीले कपड़े कहाँ टांगने हैं? छत पे। ठीक है, छत पे कपड़े टांग के आता हूँ, फिर दूध वाली चाय पीऊंगा। तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, मैं बता रही हूँ। अरे अरे यार, कैसी बनी है भैया चाय? सबर सबर नहीं है बिल्कुल भी आजकल की पीढ़ी में। पानी खोला नहीं कि चाय पत्ती डाल दी। अभी चाय पत्ती डली ही थी कि पीछे पीछे चीनी को रवाना कर दिया। एक उबाल पूरा आया नहीं कि दूध उड़ेल देंगे। नतीजा नतीजा ये हदपकी चाय। लगता है बहू ने मायके में सिर्फ रील बनाना सीखा है, चूल्हा चौका बिल्कुल नहीं सीखा। मैं एक बार देखकर आता हूँ। हम भी जाते जाते बहू को आदर्श बहू ना बना के गए तो हमारा नाम भी रजनी नहीं।